अदानी 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 पिछले 6-7 दिन से सिर्फ इसके बारे में चारों ओर चर्चा हो रहा है। तो हुआ क्या इस अदानी ग्रुप को, चलिए जानते हैं। तो शुरुआत होती है 1988 से, जब गौतम अदानी जी ने स्थापित किया था अदानी एंटरप्राइज को। शुरू में वो विदेशों से प्लास्टिक आयात करते थे और धीरे धीरे वो कमोडिटी की भी ट्रेडिंग करने लगे थे। और 1994 आते आते ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट हो गया था। उसके बाद अदानी जी का कद और काठी बढ़ने लगा और उनका बिजनेस का दायरा भी बढ़ने लगा। खाने की तेल से लेकर कोयला, पावर जनरेशन, पोर्ट, एयरपोर्ट और डिफेंस इक्विपमेंट्स में भी इनका बिजनेस हो रहा था। अदानी ग्रुप के अंदर 10 से भी ज़्यादा कंपनी है, जिसमें से अदानी पावर, अदानी टोटल गैस लिमिटेड, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइज, ये सब मुख्य हैं। और ये सभी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है। बीच बीच में इनके ऊपर बहुत से एलिगेशन भी लगे कि इनको बहुत ज़्यादा फेवर किया जाता है और कैसा हर बड़ा प्रोजेक्ट इनको मिल जाता है, पर ये सबको दरकिनार करते हुए अदानी जी का बिजनेस बढ़ता चला गया। और अदानी जी का नेटवर्क जो 2004 में $6 बिलियन था, वो बढ़ते बढ़ते 2022 तक $140 बिलियन तक पहुंच गया और वो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े अमीर भी बन गए थे। इसके बाद 24 जनवरी को रिपोर्ट आती है हिंडनबर्ग की तरफ से। हिंडनबर्ग कौन? ये एक अमेरिकन बेस्ड इन्वेस्टमेंट रिसर्च कंपनी है जो कि 2017 में शुरुआत की गई थी नाथन एंडरसन जी की द्वारा, और इनमें अभी 6 ही एम्प्लॉय हैं। और ये एक रिपोर्ट में बताते हैं कि अदानी ग्रुप अपने कंपनी की स्टॉक की प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं और बहुत सारे अकाउंटिंग फ्रॉड में इन्वॉल्व है और उन्होंने बहुत सारे कर्जा भी ले लिया है। हिंडनबर्ग के बारे में और एक बात बता दूं, हिंडनबर्ग सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च कंपनी नहीं है, ये जिस कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट निकलती है उस कंपनी में शॉर्ट सेलिंग करके बहुत सारा पैसा भी कमाती है। और अभी भी इन्होंने अदानी ग्रुप में भी बहुत सारे शॉर्ट सेलिंग किया हुआ है और इनके रिपोर्ट के खिलाफ अदानी ग्रुप ने भी एक 413 पेज का रिपोर्ट पेश किया। पर हिंडनबर्ग की कहना है कि इस रिपोर्ट में उनका 80% से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर नहीं है। और इसी बीच FPO अदानी ग्रुप का एक 20,000 करोड़ का FPO भी निकाला गया था, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जो पूरी सब्सक्राइब होने के बावजूद भी कैंसिल कर दिया गया है। और इसके बाद सेबी ने भी अदानी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की ऑर्डर दे दिया है। और बाद में क्रेडिट स्विस और सिटी ग्रुप जैसे इंटरनेशनल फार्म्स ने भी अदानी सिक्योरिटीज को लोन देना बंद कर दिया है और अदानी के कॉरपोरेट बॉन्ड के भी डाउनग्रेड कर दिया है। और इसके बाद अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स पिछले 5 दिनों में धड़ाधड़ गिरने लगे और पिछले 5 दिनों में ही अदानी जी ने लगभग 60 बिलियन से ज़्यादा रुपए खो चुके हैं। रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में 3rd नंबर से सीधा 17वें नंबर पर आ गए हैं। तो अब तक की कहानी ये है और इसके बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।